भैया दूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों मनाते हैं भैया दूज, क्या है इसकी महत्ता। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। यम द्वितीया को ही हमारे लोक व्यवहार में भैया दूज के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में प्राचीन एक कथा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य नारायण के जो पुत्र हैं वे यमराज हैं और उनकी जो सुपुत्री हैं वो भगवती यमुना जी हैं। यमुना जी सर्वदा बुलाती रहती थी यमराज को कि आप मेरे घर आइए, मेरे घर आइए, परंतु यमराज के पास उतना समय नहीं था कि वह जा पाए। एक दिन संयोग से भगवान यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर पधारे। उनको यमुना जी ने आदर सत्कार किया और अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन प्रसाद इत्यादि खिलाया और आशीर्वाद की याचना की। भगवान यम ने कहा, यमुना तुम कुछ वरदान मांग लो। यमुना ने कहा कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आज के दिन जो कोई भी भाई अपनी बहन के यहाँ जा करके उसके हाथों का बना हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करेगा उसको आरोग्य और आयुष्य की प्राप्ति होगी, वह दीर्घायु होगा और जो बहन होगी वह भी सौभाग्यवती हो जाएगी। यमराज ने इस बात को सुनकर के अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद दिया और यह वरदान भी दिया कि आज के दिन जो भाई अपने बहन के घर जाएगा उसके हाथों से भोजन प्रसाद ग्रहण करेगा उसकी आयु की वृद्धि होगी, हमेशा वह सुख संपत्तिवान और निरोग रहेगा और बहन भी सौभाग्यवती होगी। आज बहन के घर जाना चाहिए, उसके हाथों अपने माथे पर तिलक लगा करके और उसे वस्त्र आभूषण द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दे करके उसके सम्मान की, उसके गौरव की सर्वदा रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। सब्सक्राइब वामा फॉर मोर।